बनाएंगे ताकि हम आगे बढ़ें और इस शहर को और प्रोग्रेसिव करें और मुल्क के लिए कमाने वाला करें। और जैसे आपने कहा ना कि वो कम हो रहे हैं, अगर कराची डेवलपमेंट या ग्रोथ कराची की कम होगी तो पूरा मुल्क सफ़र करेगा। और ये हम हमेशा कोशिश करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को बताने की, पिछली फेडरल गवर्नमेंट का द लेसर सेड इज़ बेटर एंड आई डोंट वांट टू मेक दिस एन इशू। वो तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इलेक्शन कराओ। भाई तुमने 3.5-4 साल में किया क्या जो तुम मांग रहे हो एक और मौका? हर चीज़ में तबाही आई उस दौर में। खैर मैं उस पर नहीं आता। आपने बात की ना पिछली गवर्नमेंट, आपने कहा आपने 1.5 करोड़ रुपया रेंट दिया है। आपको पता ये हमने ये हॉल्स लिए थे कोविड के लिए, इधर अस्पताल बनाया था सिंध हुकूमत ने, हमने तब भी रेंट दिया उनको उसका, और हमने उसके बिजली के बिल दिए। और वो सख्ती से ख़त लिखते थे कि पैसे भरो, आप लोग यह कोविड पे नहीं छोड़ा उन्होंने। सो दिस इज़ व्हाट यू नो दिस वाज द बता रहा हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन ये है। आपने बात की है, मैं नवीद कमर साहब, नवीद कमर इज़ फ्राम दिस प्रोविंस, इज़ फ्राम दिस सिटी, नवीद कमर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा और जल्द हम एक मीटिंग करेंगे। नवीद साहब से कहूँगा या उनके दफ्तर में या मेरे पास जी मैं वो सब बता रहा हूँ। मैं वो इंशाल्लाह कर वो आपने EDF की बात की, आई हैव दैट इन माइंड कि कैसे कैरी ऑन यू टेक यूनिवर्सिटी की बात की। जुबैर साहब का इशू है, ही इज़ ऑल्सो गॉट एन इंस्टीट्यूशनल यू नो मेमोरी, ही इज़ बीन माई कैबिनेट कॉलीग, वी वर्क टुगेदर। तो इतनी चीज़ें जब होती हैं जहन में कि वो कोशिश होती है कोई चीज़ मिस ना हो जाए और चीज़ कन्वे करें। यहाँ पे बात की है कराची में डेवलपमेंट के हवाले से, येस लॉट इज़ रिक्वायर्ड। मैं आपको बताऊँ मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 2015-16 में एक स्टडी इनिशिएट कराई थी विद द वर्ल्ड बैंक विच वी कॉल द कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान KTP के नाम से। और उस स्टडी में we found out the gaps, we asked them to help us, उन्होंने gaps बताए हमें, उन gaps के ऊपर हमने कहा कि क्या investment चाहिए। numbers are huge, उस वक्त जो है ना वो $3 बिलियन की बात कर रहे थे, अभी तो और बढ़ गई होगी कीमत उन चीज़ों की। this kind of money ना सूबाई ना provincial government दे सकती है ना federal government दे सकती है, so we have to look at other places। और हमने वो काम शुरू किया, अभी जो काम चल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो रेड लाइन है ट्रांसपोर्ट की, उस पर काम तेज़ी से अभी सारे कॉन्ट्रैक्ट शुरू है। वो उसकी कीमत है 75 अरब रुपए, 65 बिलियन रुपीज़। दिस काइंड ऑफ मनी ऑब्वियसली वी कांट स्पेयर फ्रॉम आवर रिसोर्सेज। हमारा सिंध हुकूमत का कल मैंने बैठ के कहा था कैबिनेट मीटिंग में, हमने डिस्कस किया था। सो आई कॉल्ड द फाइनेंस सेक्रेटरी येस्टरडे, आई सैट डाउन विद देम कि एक एक हिसाब लगाएं कि हम सिर्फ सैलरीज में 55 अरब रुपए देते महीने के, सैलरीज एंड पेंशंस। यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर दैट वी हैव। तो ये पैसे निकालना, यहाँ हम जो वेस्ट ट्रीटमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक की को 40-45 अरब रुपए की एस्टिमेट है, दी अदर वन इज अ लिटिल लेस देन दैट। नाउ दिस काइंड ऑफ मनी वी कैन नॉट स्पेयर फ्रॉम आवर प्रोविंशियल KT, वी डोंट अर्न दैट मच, वी हैव द पोटेंशियल टू अर्न दैट मच। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टैप नहीं कर सक रहे हैं और ना फेडरल गवर्नमेंट देगी। सो वी हैव टू लुक आउटसाइड। और हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम इस पूरे रीजन में, सिंध 2 वाहिद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो बीन रैंक्ड अलॉन्ग विद सॉवरन स्टेट्स, वन इज सिंध, द अदर वन इज अ स्टेट इन इंडिया, गुजरात। और हम जो हैं द performance of the public-private partnership program in Sindh is better than, it's actually double that, the performance of the public-private partnership of the federal government. So we want to capitalize on that. We are working on that. हमने काम किया है, हम एक कुवैत की कंपनी के साथ एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट दैट अगेन इज अबाउट 30 or 35 बिलियन रुपीज़ का एनेटेक के साथ काम कर रहे हैं कि वो पाइपलाइन बिछा रहे हैं थर में पानी ले जाने के लिए फॉर द पावर प्लांट, सो दैट वी कैन हैव एनर्जी सिक्योरिटी, वी कैन हैव चीप इलेक्ट्रिसिटी टू गिव टू आवर पीपल। और अगले हफ्ते जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसमें द वीक आफ्टर नेक्स्ट उसमें हमें एक साइडलाइंस पे हुकूमत सिंध को सूबा सिंध को अलग से इनवाइट किया। वहाँ पे एक पाकिस्तान ब्रेकफास्ट हर साल होती है जहाँ से पाकिस्तान के लोग जाते हैं, बट इस साल उसी साइडलाइंस पे हमने एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की थी दुबई में, वहाँ पे लोग आए थे और उन्होंने हमें कहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सूबा सिंध के लिए हम अलग से 3-3.5 घंटे वो स्लॉट करेंगे फॉर लंच, जहाँ पे वो इन्वेस्टर्स बुलाएंगे। मैं सबको इनवाइट करूँगा, हुएवर इज़ अटेंडिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम please contact the investment department because the seating is limited. So if you know anybody who wants to be there, who is going to be there and wants to attend, any friend, any associate, जो बाहर के मुल्कों के आपके बहुत associates हैं, anybody who is visiting the World Economic Forum the 24th of May lunch पे हमने एक investment session है सिंध का, उसको attend करें ताकि हम ये प्रोजेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ देओस स्विट्ज़रलैंड, ताकि हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। मैंने वहाँ पे वर्ल्ड बैंक को, एडीबी को, इन सब को कहा है जो बाकी डेवलपमेंट कंट्रीज़ है हमने इनवाइट किया है। वी आर होपिंग दैट वील हैव गुड अटेंडेंस। और इधर हम ये मेजर बिकॉज कराची में मैं आपको बता रहा हूँ देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल, ये जो शहर है उसमें करें। डेवलपमेंट पे आएँ, येस थिंग्स are bad, but we have work. इधर साइट की बात आप कर रहे हैं, 3 साल पहले 2017 में या 17-18 में हमने 2.6 बिलियन 5 साइट एसोसिएशंस को दिए थे कि आप खुद काम कराएं, हुकूमत नहीं कराएगी। येस वील हैव और बिकॉज इट्स पब्लिक मनी वील हैव अ चेक ऑन इट। और वो साइट एसोसिएशन ने काम किया। इस साल हम साइट के रोड्स के लिए 2.4 बिलियन की प्रोजेक्ट एक चल रहा है, तो 5 अरब रुपए सिर्फ साइट पे, ये हमने पिछले 3 साल में किए। एंड प्राइम मिनिस्टर आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। जब वो आए थे, जैसे जुबैर भाई ने कहा मुझे नहीं पता था कि आपने कहा वो सिर्फ 4 क्यों लिख के दिए हैं, वो 8 लिख के देते तो 2 कर देते। उन्होंने शायद 25% का रखा होगा जहन में कि 4 बताएंगे तो 1 करूँगा, तो आप 8 लिख के दे तो शायद 2 मिल जाती चीज़ें हमें। तो उन्होंने वादा किया है, but apart from that we want the federal government to help us, which we have not got that help in the past. We want the federal government to help us in the entire province, especially the city of Karachi. और उनकी मदद के बगैर हम नहीं काम कर सकते। जो सबसे ज़्यादा बुराई मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, पिछले गवर्नमेंट जो गुजर गई है उसकी थी, गुजर गई है उसकी जो थी वो यही थी कि पोलराइज इतना कर दिया था, ना सूबा वफाक से बात कर सकता था, ना पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे से बात कर सकती थी। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उन्होंने अदालतों के अंदर, उन्होंने असेंबलीज़ के अंदर इतनी पोलराइजेशन कर दी थी कि कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं था। अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? चलिए ठीक है, रिसोर्स की कमी है, प्रॉब्लम्स हैं, हमें ज़रूरत 100 रुपये की तो हमारे पास 20-25 रुपये अवेलेबल है, लेकिन हम साथ मिल के इस 20-25 को बढ़ा सकते और जो भी हम कमाएँ, जो भी हमारे पास रिसोर्स हों उसका प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं अगर हम साथ मिलके बैठें। और मैं उनसे यही कहता था कि वो कुछ लोगों को खुश करने के लिए, और मैंने बड़ा वोकली मीटिंग्स में, ऑनलाइन मीटिंग्स में और मेरे झड़पें भी यूनिवर्सिटीज़ पे कहा था कि ये क्या तरीका है कि आप फेडरल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट दे रही है, ये PSDP में मौजूद हैं, जिसको देखना है वो देखें कि कराची की यूनियन काउंसिल नंबर 30 की गली नंबर 14 का मैन होल नंबर 5 फेडरल गवर्नमेंट बना रही है। ये स्कीम इस तरीके से लिखी हुई है PSDP में, इसलिए कि उन्होंने किसी उस गली नंबर 5 का जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उसको खुश करना है कि वो कहेगा जी, तालियां बजवाएगा कि मैंने ये हमें कहते हैं कि जी आप नहीं करते इसलिए हमें करना पड़ता है। हम आपको बता सकते हैं जो हमारे पास रिसोर्सेज है कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। और वैसे भी पिछले असल में एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर कराची का या मेयर कराची का, एक्टिंग मेयर कराची का, तो 6-7 महीने से हमारा इन द डिफरेंस यू कैन सी व्हाट इज हैपेंड इन द लास्ट 7-8 मंथ्स। तो अनफॉर्चुनेटली वो इधर नहीं है, इसलिए वो इसलिए भी नहीं है कि 3 बजे तक तो जाग रहा था, उसके बाद सोया होगा तो शायद उठा नहीं है। 3 तक तो मैं उससे था कॉन्टैक्ट में रात को। जुबली मार्केट की आपने बात की, इंशाल्लाह मैं उसको देखता हूँ अगेन कराची के साथ जो जुल्म हुआ है हमने नहीं किया, चले हम भी पार्ट हैं, मैं नहीं कहूँगा, हम भी उसका पार्ट हैं, हम भी हुकूमतों में रहे हैं, हम भी कोलिशंस में रहे हैं, सारे नालों को इंक्रोच किया गया है। हमारे रोड जो मैं देखता जाके देखे तो सही जो डेवलपमेंट हुई है, आपके यहाँ 4 लेन के रोड्स हैं, बल्कि 6 लेन के रोड्स हैं, 3 एक तरफ दूसरी तरफ आयल, फिर फुटपाथ हैं, फिर सर्विस नाले हैं, साइड पे ड्रेन्स, फिर आपकी सर्विस रोड्स हैं, उसके बाद फुटपाथ हैं, फुटपाथ इंक्रोच, सर्विस इंक्रोच और नाले के ऊपर दुकानें बनी हुई हैं। अब आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये शहर को इस तरीके से हम ये था ना कि कराची को समझाया था कि जी हमने इससे, और इससे 2 प्रॉब्लम्स हुए ना, वो समझ रहे थे और उन्होंने किया भी। मुझे अगर मुफ्त में नाले पे जगह मिल जाए, मुफ्त में मतलब ये कि उसकी कीमत है अगर 100 रुपये और मुझे 10-20 रुपये में जो किसी की जेब में जा रहे हैं नाले की जगह मिल जाए, वो भी खुश, मैं भी खुश। सफ़र कौन कर रहा है? शहर कर रहा है। ये होता रहा है कराची के साथ और हमने इसको ख़त्म करना है। एक आखिरी चीज़ बिफोर आई एंड, आप सबको इस एयर कंडीशन जैसा भी है इसमें भी गर्मी लग रही है, गर्मी है, और इधर कराची के सारे मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने वर्कर्स का इस गर्मी के टाइम पे ख्याल रखें। यू अर्न बिकॉज ऑफ योर वर्कर्स, दिस द इंडस्ट्री रन्स बिकॉज ऑफ लेबर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। प्रॉपर सहूलियात, हमने कुछ SOPs भी बनाई हैं हुकूमत ने इस सिलसिले में कि जब टेम्परेचर इतना बढ़ जाए तो एटलीस्ट बाहर किसी ने काम नहीं करना है। जो एक्सट्रीम 12 बजे से 4 बजे तक बहुत ज़्यादा सूरज की तपिश होती है, एट दैट टाइम प्लीज़ गिव देम रेस्ट। आप वर्किंग आवर्स भी भले चेंज करें, वी हैव टू वर्क अराउंड दीज थिंग्स, वी नीड टू इंश्योर दैट आवर वर्कर्स आर टेकन केयर ऑफ। प्रॉपर पानी का इंतज़ाम हर जगह पे हो। कमिश्नर साहब को आज सुबह भी मैंने कहा है कि वो दोबारा सारे रिव्यू करें। इस शहर में, पूरे कराची के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है और होने जा रही है। आपके नॉर्दर्न जो हमारे सिंध के शहर हैं, सक्खर, लाड़काना, जेकबाद बैठे हैं। मुझे मैं जब पहली मैंने नौकरी की थी तो मुझे एक जेकबाद का दोस्त मेरा बना था, वो कहता है अल्लाह ताला ने चुन के हमें पैदा किया है, कहता है रात के दिन के 12 और रात के 12 में कोई फ़र्क नहीं है, उतनी गर्मी होती है। मुझे वो उसका बड़ा याद है। तो इतनी गर्मी वाकई होती है। हम चले शामें इधर थोड़ी सी प्लेजेंट हो जाती हैं, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर वर्कर्स। आपका हमने जो मिनिमम वेज की थी 25,000 रुपये, आप सब बड़े नाराज़ थे कि जी पूरे पाकिस्तान में नहीं है, आपने सिर्फ हमें डिसएडवांटेज पे कर दिया है। 9 अप्रैल को हमने बात करके फेडरल गवर्नमेंट से, इसलिए कि जब फेडरल गवर्नमेंट जो नहीं आ रही थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्ट होने के बाद अभी ओथ भी नहीं लिया था, उन्होंने अपनी पहली तकरीर असम्बली में करनी थी, तो मुझे एक फ़ोन आया कि जी हम फलाना इतना करना चाह रहे हैं। वो 25 नहीं था, आप लोग तो शायद खुश होंगे उस पर, लेकिन मैं नहीं था खुश। तो मैंने कहा कि अगर आपने 25,000 से एक पैसा भी कम किया ना तो हम शोर मचा देंगे। आई एम ग्रेटफुल टू देम, दे वेंट विथ अस एंड दैट इज़ द मैसेज आई गॉट फ्रॉम देम, दैट वी वेंट विथ यू। और वो 25,000 हो गई है। आप इंश्योर करें, अब वो बहाना नहीं है कि बाकी मुल्क में नहीं होगी, ये इंश्योर करें। एंड आई थिंक 25 आप लोग भी रहते, इट्स नथिंग। आजकल जो महंगाई है और जो अल्लाह ना करे, बट रियलिटी इज फेसिंग अस, आगे और महंगाई होने जा रही है। वी नो, वी जिस पोजीशन पे हम हैं, अब फ्यूल की प्राइसेस ना बढ़ा के, और फिर वो मुश्किल डिसीजंस अभी भी लेने में मुश्किल हो रही है, वो ना लेके हम और प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो प्लीज़ ये जो है लेबर, उसका ख़ास ख्याल रखें। मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुज़ार हूँ कराची चैम्बर का, बिजनेसमैन ग्रुप का, कि उन्होंने मुझे एक बार फिर दावत दी। मैं इधर आया हूँ। इट्स ऑलवेज गुड टू इंटरेक्ट विथ यू। अगेन आई थैंक द डिप्लोमेटिक ऑफ बीइंग हियर फॉर सपोर्टिंग अस, एंड आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग दैट यू गेट योर पीपल इन। वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू suggest is that we have country specific exhibitions here in Karachi, and I invite you to come here. We'll facilitate, our investment department will facilitate, the business community would come out and help. We want that you come in, explore this city, explore the province, explore the country. We, we've got a population of, we say, 220 million. President Zardari says it's at least 300 million. You don't know how to count. And he's, I think, right. Karachi, they counted us at 16 million. I don't know how they did that. So, how they did that. We are a city of at least 20 million people, talk about 30 million. The potential is there. If you go out, what happened at 11 p.m. last night, that place in Sadar was full of people. This is how the city is. And unfortunately, we had this tragic incident. But I assure you, the people of Karachi are very resilient. They would not be bogged down by these terrorists. And we as the government and the people of this country will go after them, and we will not let them ruin our country the way they want to do. मैं एक बार फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ बिजनेसमैन ग्रुप का, आप सबका मुझे इधर बुलाया. ये मीडिया वाले नहीं छोड़ेंगे, एक आध सवाल करेंगे. आपकी इजाज़त तो एक या दो सवाल कर लें. अमित, सवाल ये है कि रात का जो वाक़या है ना कराची यूनिवर्सिटी के पास, दूसरा एक IBM से उस्मान सलीम बिकिया साहब, IBM. Understand that what is the theme of this My Karachi? Why we hold this My Karachi? And what is the what are the benefits to Karachi and Pakistan? The biggest thing is that we want to tell you that how Karachi is going, and how resilient the people of Karachi are. See, even last night there was a small blast, but you're sitting here, I'm sitting here. You can see there's no space. People are standing, and it's a house full. So that means that Karachi will continue to be resilient. And we will never succumb to what these terrorists and those people are doing. Never. And that's why I'm so grateful to Chief Minister Sahab that he has taken his time out and is here. His marriage is very busy schedule, but he is here just to show that determination that Sindh government or Karachi or Karachi's government, they mean business. So what I'm telling you is that whatever you are witnessing, kindly convey this to your respective countries. That's what we believe is the message. And this is the purpose. And the second purpose is to see that we want to increase our exports. And by exhibiting these goods, and when you're visiting those stalls, you'll see that what kind of products we're making, how good they are, what is the quality, what is the price. You can always see and convey the same, that Pakistan is a destination where you should start importing goods. That is what I believe is the purpose. And at the outset and after this, I think that I would like to mention Siraj Qasim Teli, our leader, a great leader and a founder of BMG Group, businessman group, and he has left us for, he has left us, and I think that we should all pray for him. What a brave man he was, and how much he has delivered for Karachi. It is not anything which we have to see. I think Siraj Teli Sahab needs all the applauses and this. And then I would say that whatever we can manage, we are following his footsteps, but I don't know how far we are successful, but we are trying to keep up the pace. And we are working the same mode. His motto was that it is not the membership or non-membership. It is whoever comes into Karachi Chamber will get the services. And that's what we are doing. We are giving services to each and every person coming to Karachi Chamber. And we will try, we'll continue to do so. And I think that our participation in terms of with the federal government is that we make budget, the entire problems of the budget and proposals and solutions and steps to be taken. So this is also a very big job for Karachi, Karachi Chamber of Commerce Industry, which we are performing. Number two is that Karachi, as Idris was telling you, that it is 54% of the exports of Pakistan are from Karachi. And look at the population. Population, we are 10%, but we are exporting 54%. Rashid, bhai, Rashid. I mean, 55% of the taxes are collected from Karachi. And as far as SRB is concerned, Sindh Revenue Board, 95% of the taxes are from Karachi. So Karachi is a city which is busy, which is a business-like city. Welcome, Saeed Ghani sir. And then we have got a support of the government. Whenever we have gone to the government, I want to narrate you an incident which just took place. We all you know that Cooperative Market was engulfed with fire, and there was a Victoria Market also. You know, no government in the world would do this. I don't think that any of you diplomats sitting here have ever witnessed this. That it went to ashes, and each and every shopkeeper, which were 358 in number, were paid 100%. Whatever they've lost, we paid them all. And it was paid by Sayyid Murad Ali Shah. And I definitely appreciate the services of Darijo sahab, who was all the time available, Saeed Ghani sahab, Murtaza Wahab sahab, Nasir Shah sahab. They all were on board. But see, you can imagine that 44.5 crore rupees were paid to those, all those effectees who engulfed into the fire. And today, alhamdulillah, their businesses are open. They're doing the business. This is a great thing. No other government. I mean, in Bolton Market scenario, you know, in Ashura bomb blast, we built 29 buildings there. All by government gave us the money. Karachi Chamber only made, you know, we built it, we delivered it, and there were 1,958 effectees were there in Bolton Market case. All were paid, and this was in 2010. We are sitting in 2022. You will not find a single complainant out of this. Even this Cooperative Market, not a single complainant that I received it or not. This is a great thing, and you know, great thinking that the governments are helping us. So what I want to say that things are, and I can't forget those people who are behind this, all this. Majid Meman sahab, who was the chairman of the Small Traders Committee. Talat is sitting here. So Talat also was the part of it. He was the co-chairman, vice chairman, and host of other people who participated into this. And they negotiated with the effectees and brought this figure down to 44.5. Previously, it was 1.5 billion. So I think this is a great thing. And taking the advantage of Murad Ali Shah sahab sitting here, I would request Shah sahab that the 54% of export share of Karachi, sir, it will go down, I'm telling you. And it has already gone down from 58 to 54. And I don't know what is it, but people that don't want Karachi to grow that fast. They're saying that you're growing too fast, so you should slow down. And to slowing down, the energy crisis has been created, or energy crisis there. It is an international crisis, but I think for Karachi in particular, it is now in this summer season, where we don't want gas at domestic and everywhere. We are closed since Monday morning. And there's no pressures of the gas, and they are not letting take RLNG. They did this in the winter, you know, 4 months were there, and then now they're doing it right now when I'm talking to you. It is there that what I would suggest is, Shah sahab, across the road is the SSGC office. Barge into the office and ask them why the industries are closed. Yeah, this is my humble request. The other thing is that these exhibitors who are here, who have actually displayed their goods and are telling us that what is made in Pakistan. Pavilions होते थे, लेकिन चूंकि जगह की तंगी सिर्फ 3 हॉल की अवेलेबिलिटी थी और हमने चौथा हॉल खुद एस्टेब्लिश किया और यहाँ पर बनाया. इसके बावजूद 250 से ज़्यादा लोग आज इस नुमाइश में अपने स्टॉल्स का उन्होंने और अपनी मसनूआत को यहाँ पर पेश किया है, जो एक बहुत ही मैं समझता हूँ खुश आइन बात है. ये हमारे वो तमाम पार्टिसिपेंट्स और एग्जीबिटर्स जो मुसलसल इतने सालों से हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनकी भी बड़ी हमारे साथ कोशिशें और काविशें हैं इस शहर के, इस मुल्क के, इस सूबे के तशक्कुस को उजागर करने के लिए. तो मैं चाहता हूँ उन तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए और उन तमाम लोगों के लिए आप भरपूर तालियाँ बजाएँ. कोविड की वजह से चूँकि इंटरनेशनल मंदूबीन के आने में प्रॉब्लम थी, लेकिन उनकी जो भी जिस मुल्क की कंपनीज यहाँ मौजूद हैं उन्होंने अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाया और वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं. और आप देख रहे हैं कि आज इतने सारे डिप्लोमेट्स जो यहाँ मौजूद हैं वो भी माई कराची की कामयाबी की जो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं. माई कराची की कामयाबी का आपने नहीं देखे होंगे और कितने वो ज़रा चीफ मिनिस्टर साहब के साथ यहाँ मौजूद हैं. और आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में मुख्तलिफ ममालिक के काउंसल जनरल्स और एम्बेसडर्स भी इसमें शिरकत करेंगे. माई कराची का चार्ज मुझे 2014 में जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था तो मेरे साथ अब्दुल्ला जकी साहब और मुफस्सिल मलिक साहब, मैं और इस्माइल सूर्या साहब, हम इसको देख रहे थे। और हमसे पहले जो इसको जो अहमियत दी, वकार मेहदी साहब आप आगे आ जाए, तो जो अहमियत उन्होंने दी और उसके बाद इस पर काम शुरू हुआ और वो 3 हॉल से इसको 6 हॉल पर ले गए। और उस वक्त जो तकरीबन रेवेन्यू उनके ज़माने में टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो तकरीबन 20 मिलियन के करीब था। और उसके बाद जब मैंने इसका चार्ज संभाला तो उसमें हमने बेहतरी लाने की कोशिश की, 6 हॉल्स पर इसको मुनक़्क़िद किया, आउटर एरिया, फिर इसमें फूड कोर्ट मुनफरद अंदाज में पेश किया, किड्स शो, पेट शो, और इसके बाद हमने लॉन पवेलियन मुनक़्क़िद किया, इसमें हमने फैशन शो मुनक़्क़िद किया और इसमें इंटरनेशनल पवेलियन का इनेकाद किया, जो आज तक कामयाबी से जारी और सारी है। जब मैंने शुरू किया था तो तकरीबन 2 मिलियन का रेवेन्यू था और आज 3 हॉल में भी तकरीबन 35 मिलियन का रेवेन्यू हमने जनरेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो माई कराची है, इसमें हमेशा 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने माजी में इसमें विज़िट किया और यहाँ पे ख़रीदार एंड यूज़र आते हैं और जो कंपनीज़ है वो रियायती कीमतों पर अपनी मसनूआत को यहाँ पर पेश करते हैं। यही एक वजह है कि लोग यहाँ पे चौक दौर चौक आके ख़रीदारी करते हैं। मैं सीएम साहब से हमारी चंद दिनों पहले मुलाकात हुई और मैंने इनको बताया था कि हमने 4 माह पहले वफाकी हुकूमत को, वफाकी वज़ीर तिजारत को ख़त लिखा कि माई कराची एग्ज़िबिशन हम करने जा रहे हैं, एक्सपो सेंटर में जो 3 हॉल हैं उसके जो एसी हैं वो हमेशा काम नहीं करते और उस पर काम कर लिया जाए। इतना ज़्यादा किराया लेने के बावजूद आप देख लें कि आज एसी की क्या कंडीशन है। 2 महीने से हम मुसलसल राब्ता कर रहे हैं उनसे और हमने 1.25 करोड़ से ज़्यादा इनको किराया दिया है। चूँकि वज़ीर आला सिंध यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त जो वफाकी वज़ीर तिजारत हैं नवीद कमर साहब, उनका ताल्लुक़ भी पीपल्स पार्टी से है, तो मैं गुजारिश करूँगा सीएम साहब से एक मीटिंग का इनेकाद करें और जो जो चीज़ें ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने, जावेद बिलवानी साहब ने और दीगर जो हमारे बिज़नेस कम्यूनिटी से लोग मौजूद थे उन्होंने वहाँ तजावीज़ पेश की, तो उन पर अमल दरामद कराया जाए। गैस के मामले पर अभी ज़ुबैर भाई आकर बात करेंगे तो उस पर भी अमल दरामद कराया जाए। ربنا لا تؤاخذنا